अरेंजमेंट दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, वैसे क्लास लगेगी आपकी, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। दो टाइप के होते हैं, एक क्रिस्टलिन होता है और दूसरा एमोर्फस होता है, इसके बारे में पता है आपको? यस सर, देखिए आज का जो टॉपिक है एकदम ही, मतलब हमने बस लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ा था, बेसिकली क्रिस्टलिन और एमॉर्फस के बारे में ही बस पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक होगा लैटिस पॉइंट होगा, एकदम नया होगा, ठीक है, तो इजीली समझ में आएगा। अगर इन केस अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछते रहिएगा, ठीक है? ओके, श्योर श्योर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर यस सर, एनीलिंग का मतलब क्या होता है? एनिलीन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनिलीन ही पूछे ना, ANILINE। सर नहीं, वो एनीलिंग ऐसी ये पूछ रहे हैं क्या, एनिलीन या फिर कुछ और? नहीं सर, ये नहीं है, वो ANNELING। ANNEA। यस ये कहाँ पढ़ लिया आपने, मतलब पूरा सेंटेंस बताइए। सर, वो असाइनमेंट का वो सॉल्यूशन में लिखा हुआ था। अच्छा, वो एक प्रोसेस होता है आपका, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, जिससे हम क्या करते हैं, डक्टिलिटी वगैरह इंक्रीज करते हैं और हार्डनेस ऑफ मेटल डिक्रीज करते हैं, उसको एनीलिंग कहते हैं। इट इज अ प्रोसेस टू इंक्रीज द डक्टिलिटी एंड डिक्रीज द हार्डनेस ऑफ सॉलिड, ठीक है। बेसिकली डक्टिलिटी की बात कर रहा है तो मेटल ही होगा, ठीक है। ओके सर, हाँ, ये जो टर्म होते हैं ना, तो इस पे ज्यादा वो डरिएगा नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस होगा ना, वैसे वैसे चीजें पता चलते जाएंगी। जैसे चैप्टर, जैसे सॉलिड स्टेट है, इसमें ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे जो अलग चैप्टर से होंगे, तो फॉर टाइम बींग आप उसका मतलब समझ के और वो लिख लीजिएगा असाइनमेंट में, ठीक है। चलिए ओके सर, देखिए, अपने पास जो आज टॉपिक है, ठीक है, अफमान आप भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है, 3D इमेजिनेशन बस वाला है, ठीक है। आपका इमेजिन पावर जितना अच्छा है उतना सही से समझ में आएगा, और बहुत आसान और छोटा चैप्टर है। तो देखिए, सबसे पहला अपने पास टॉपिक जो आता है वो आता है लैटिस। चलिए, सबसे पहला जो आता है वो किसमें आता है लगा अपने हुआ, पास लैटिस। किसके चार्जर पे? तुम्हारे मम्मी का? सक्षम, मम्मी अभी नहीं लगा। ठीक है सर, कौन इधर देखिए, यस सर। देखिए लैटिस क्या होता है, लैटिस बेसिकली क्या होता है, रेगुलर पॉइंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, उनको हम लैटिस कहते हैं, ठीक है। साथ साथ में मैं लिखवा रहा हूं, उसके बाद समझाने के बाद आप लोग लिखेगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लैटिस। देखिए इसका मतलब क्या है, ये एल है मेरा, ठीक है, एच की तरह लग रहा होगा, वैसे मैं चेंज कर देता हूँ, लैटिस। ध्यान दीजिए यहाँ पे हो क्या रहा है, कि बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं, इसको पहले ऐसे समझिए, बहुत सारे पॉइंट्स रेगुलरली अरेंज हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका, इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए, तो इसको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिस
पॉइंट कहते हैं, और पूरे को हम ऐसे कह देंगे लैटिसेज कह देंगे, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में लैटिसेज कह देंगे। बेसिकली ये पॉइंट क्या है, जैसे सॉलिड होता है, ठीक है, तो सॉलिड में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल बन के तो वो बड़ा सा सॉलिड बनता है कि नहीं, तो उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, और उस एक पार्टिकल को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं, और एक साथ उनको कह देते हैं लैटिसेज, ठीक है, 3, 4, 5, 10 हैं, उनको क्या कह दिया हमने, लैटिसेज कह दिया, ठीक है। जस्ट सपोज आपके पास NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, NaCl इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, सॉरी आयनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहा हूँ, आयनिक कंपाउंड। अब ये देखिए अरेंजमेंट कैसा होगा इसका, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे ही होगा Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, ऐसे ही ये बहुत सारे अरेंजमेंट होगा इसका 3D में। तो किसी एक पॉइंट को उठा लेंगे तो वो हो जाएगा लैटिस पॉइंट, और बहुत सारे हैं उनमें कह दिया मैंने लैटिसेज, क्लियर है? क्लियर है अपन? तो ये होता है आपका लैटिस, ठीक है, इसे लिख लीजिए। अब एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते जाइएगा आप लोग, किसी भी टाइप का डाउट्स हो अभी के अभी क्लियर करते जाएंगे। सर NaCl अगर क्रिस्टल है तो उसमें लैटिस पॉइंट क्या होगा? लैटिस पॉइंट किसी एक पॉइंट को उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए अब Na है, ठीक है, अब सोडियम है, ठीक है। एक्चुअल में ये जो होता है, ये वाला समझाना बहुत ही आसान होता है। इसमें क्या होता है कि ये एक 3D स्ट्रक्चर बनता है जिसमें क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब किसी भी एक पॉइंट को उठा लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो Na प्लस हो सकता है, Cl माइनस जो भी है, इस पॉइंट को उठा लेंगे, या फिर यहाँ पे जैसे मैंने इसको उठा लिया, तो ये एक लैटिस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, इसको उठा लीजिए, लैटिस पॉइंट हो जाएगा। एक साथ देख रहे हैं लैटिसेज कह दिया मैंने, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, मैंने स्टूडेंट्स बोला मतलब कि किसी का नाम नहीं लिया मैंने, ठीक है, लेकिन एक को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट, मतलब ये भी स्टूडेंट है, मैं इसको भी बोल सकता हूँ, क्लास में सारे ही स्टूडेंट है, तो सेंटर से उठाऊं तो स्टूडेंट, बैक बेंचर को उठाऊं तो स्टूडेंट, ठीक है, एक साथ बोलना है स्टूडेंट्स कह दिया मैं। बात समझ में आया? यस सर, यस। तो ये होता है आपका लैटिस, और लैटिस पॉइंट होता है, ठीक है। स्लाइड चेंज करूं? यस। अब यहाँ पे बात आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी पे बात चलते रहेगी, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये होता है आपका यूनिट सेल। क्या होता है? यूनिट सेल। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं और उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है, समझेंगे थोड़ी देर में। द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट, द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटेशन। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपल सा सवाल है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपका जो घर बना है उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, किस पे बना है आपका घर? ब्रिक पे बना है? एक ब्रिक के ऊपर बहुत सारे ब्रिक लगा के तब तो घर बना है ना? यस सर। अगर एक जनरल बात करें तो वो जो एक ब्रिक होगा उस घर का यूनिट सेल हो जाएगा, ठीक है? यस सर। एक जो 3D में होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हमने कह दिया यूनिट सेल। यूनिट सेल क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जो यूनिट सेल होता है अपना, वो कितने टाइप का होता है? यूनिट सेल यहाँ पे अपने पास दो टाइप का होता है, ठीक है, और जो सबसे पहला होता है वो होता है प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल। और जो दूसरा यूनिट सेल होता है वो होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होता है? सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा सब्र करिए आप लोग, ठीक है। सेंटर्ड यूनिट सेल आपके 3 टाइप का होता है, ठीक है।
पहला जो होता है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा जो होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा जो होता है वो होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल इज ऑफ टू टाइप्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। और दूसरा जो टाइप होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल इज ऑफ थ्री टाइप्स, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो इसे लिखिए। वेरी गुड, अब फन हो गया। देखिए yes, मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को कि सेवन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होते हैं, सेवन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हमें जो पढ़ना है वो है आपका क्यूब। क्यूब जो होता है, क्यूब इज अ यूनिट सेल। क्यूब क्या है आपका? एक यूनिट सेल है। वैसे तो सेवन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इज देयर, ठीक है, जो जिसमें एक क्यूब भी यूनिट सेल होता है। और बेसिकली अपने जो सिलेबस में है वो यही है, क्यूब की यूनिट सेल। तो ये जो हमने डिवाइड किया है यूनिट सेल, ये क्यूब की यूनिट सेल हमने डिवाइड किया, प्रिमिटिव सिंपल यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है? यस। ये यूनिट सेल सात टाइप का अभी थोड़ी देर बाद नाम लिखाएंगे हम। अभी मैंने बता दिया क्यूब इज वन ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, स्लाइड चेंज कर रहा हूं। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब की बात कर लिया हूं मैं, सिलेबस में अपना क्यूब है। ठीक है, यहां पे आ जाता है सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल में इसका दूसरा नाम क्या है, सिंपल। क्या है? सिंपल। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल, या फिर इसको हम कह देंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। तो देखिए इसमें हमें बेसिकली करना क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना होता है। क्या करना होता है? नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना होता है सिंपल यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, बेसिकली जो ये क्रिस्टल होते हैं NaCl, NaCl जो क्रिस्टल होता है वो एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है जस्ट लाइक क्यूब। ठीक है, अब क्यूब की तरह स्ट्रक्चर बना दिया तो उसमें एटम कैसे कैसे प्रेजेंट होंगे, कहां कहां कितना प्रेजेंट होंगे, उसी की बात कर रहा हूं मैं। बात समझ में आया? यस जी। अब देखिए यहां प्रिमिटिव यूनिट सेल की जब बात करते हैं तो यहां पे हमें बताया जाता है कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स आर सिचुएटेड एट कॉर्नर्स ओनली। इसी बात को समझना आपको, जो एटम प्रेजेंट होते हैं सिंपल यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कह लीजिए, SCC या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, वो बस कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम काउंट करेंगे कि कॉर्नर पे, ठीक है, एक मैं क्यूब अगर बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक क्यूब बनाता हूं मैं यहाँ पे, तो बताइए एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं? एट कॉर्नर्स होते हैं। कितने कॉर्नर्स होते हैं? एट कॉर्नर्स होते हैं। अब एक आप बात खुद ही सोचिए, इस बात को ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने एक एटम रखा कॉर्नर पे, क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स जो सिचुएटेड होते हैं वो कहां पे रहते हैं? कॉर्नर पे होते हैं। अपना अपना बुक उठा लीजिए आप लोग, या कॉपी थोड़ा सा मोटा जो हो। हमने कॉर्नर पे यहाँ पे एक एटम रख दिया स्फेरिकल। एटम कैसा होते हैं? स्फेयर होते हैं कि नहीं? एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है कि नहीं? Yes. अब देखिए यहाँ पे जब मैंने एटम रखा, तो कॉर्नर पे रखा मैं, तो कुछ पार्ट एटम का, कुछ पार्ट आउट ऑफ द क्यूब आएगा और कुछ पार्ट इनसाइड क्यूब जाएगा, जाएगा कि नहीं? Yes, sir. अफान समझ गए सर। हाँ, अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, कुछ पार्ट आउट ऑफ द कॉर्नर, मतलब आउट ऑफ द क्यूब, और कुछ पार्ट इनसाइड द क्यूब। तो ऐसे ही जब आठ कॉर्नर है तो कुछ कुछ पार्ट
अंदर होगा और कुछ पार्ट बाहर होगा, तो एग्जैक्टली कुछ कुछ पार्ट जो मिलके कितना एटम दे रहा है वही देखना हमें। देखिए यहाँ पे एक एटम है आपका, अब इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये एटम कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है इसको दिखा रहा हूं मैं। एक तो इसके ऊपर ही क्या होगा, क्यूब होगा, एक इसके ऊपर क्यूब होगा, एक इसके साइड में क्यूब होगा, ये क्यूब के जगह क्यूबॉइड बना दिया मैं, इधर देखिए एक इसके साइड में होगा और एक इसके साइड में क्यूब होगा। ये टोटल क्यूब कितना बनाया मैंने, चार बनाया है अभी, एक ब्लैक वाला और तीन रेड वाला, जिसमें एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है खुद को। बात समझ में आ रहा है? यस यस। अब देखिए ये क्या हुआ, जो मैंने अभी किया है, ठीक है, मैंने जो अभी किया है वो क्या है, उस प्लेन में है, ठीक है, उसी प्लेन में है, ठीक है, उस प्लेन में है, लेकिन ये क्या है कि स्फेयर जो होगा वो 3D में होगा। तो अब मैंने क्या किया कि कुछ जो बाहर आ रहा था, आउटवर्ड आ रहा था, उसमें एक इसके ऊपर क्यूब रख दिया, एक इसके ऊपर क्यूब रख दिया, एक इसके ऊपर रख दिया, एक इसके ऊपर रख दिया। तो अब जाके स्फेयर टोटल जितना कॉन्ट्रीब्यूट करना था कर लिया कि नहीं? यस सर, पूरा अंदर है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं क्या? यस सर। देखिए जरा सक्षम, जस्ट सपोज इट इज अ क्यूब, ठीक है, हमने यहाँ पे एटम रखा यहाँ पे, ठीक है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें तो होगा ही, जो मैं क्यूब लिया हूँ, क्यूबॉइड है फिलहाल, ठीक है, क्यूब मान लेते हैं, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, इसके बगल वाले क्यूब में होगा, एक यहाँ पे जो क्यूब इधर से कनेक्टेड होगा, एक इधर होगा, फिर भी इसका पार्ट कुछ ऊपर निकल रहा होगा, तो एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, यानी एक क्यूब का मतलब एक एटम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो कितने में होगा, 8 क्यूब में होगा कि नहीं? यस सर। एक एटम का, एक स्फेरिकल एटम का कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 8 क्यूब में होगा, और टोटल 8 कॉर्नर है, तो यानी एक क्यूब में टोटल एटम ऑन कॉर्नर्स मिला के कितना होगा? 1 एटम होगा कि नहीं? ओके सर। आप लोगों को समझ में आया ये मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ गया ना किसी को? यस सर। 8 कॉर्नर है और 8 डिवाइड है, तो 8 into 1 by 8 होगा, तो 1 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल भी कह सकते हैं SCC में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 एटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 एटम। क्लियर है? हेलो। अब देखिए ये जो होता है ना, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ सिंपल क्यूबिक, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को हम लोग रैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंक कहते हैं, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बहुत सारे बुक्स में या रैंक पूछ देता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो रैंक इज इक्वल टू इसका कितना होगा, 1 हो जाएगा। रैंक का मतलब क्या हो जाता है आपका, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछता है रैंक ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल कितना होगा, 1 होगा कि नहीं? Yes. ये समझ में आ गया, लिख लिया आप लोग? Yes. स्लाइड चेंज कर रहा हूं। अफान, चलिए अब अपने पास आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में देखिए होता क्या है। यहां पे सबसे पहले पता होना चाहिए कि एटम्स फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में होते कहां कहां है। तो मैं लिख देता हूं, एटम्स आर सिचुएटेड एट कॉर्नर्स एंड फेस। एटम्स जो सिचुएटेड हैं वो कहाँ है, कॉर्नर पे हैं। तो मैंने कॉर्नर वाला बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, किया कि नहीं?
समझ में आया, और फेस, ठीक है। फिर से मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो तो। यहाँ पे अगर आप ना कॉर्नर देखें, एक क्यूब बनाया मैंने, इसको FCC भी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, इसको SCC भी कहेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अब फिर से मैंने वही कर देना है कि यहाँ पे एक क्यूब है, सॉरी एक क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर पे एक एटम है, वो एक एटम जो खुद को डिवाइड कर रहा है, कितने क्यूब से कर रहा है, 8 क्यूब से कर रहा है, एक कॉर्नर पे एक एटम, तो टोटल कॉर्नर कितना है, 8 है, तो कॉर्नर पे जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वो कितना आएंगे, 1 एटम आएगा कि नहीं। और नंबर ऑफ एटम्स एट फेसेस की बात करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स एट फेसेस की बात करते हैं। अब फेसेज वाला खुद देखिएगा, आप लोग खुद देखिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पे मैं जी, हाँ सक्षम सर, अगर हम ये वाला, अगर हम ये वाला कॉर्नर ले ले, ले तो ये चार उसमें डिवाइड करेगा, नहीं 8 करेगा। देखिए कोई सा भी उठाइए, मैंने तो बस एक यूनिट सेल उठाया है, देखिए इसकी बात कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया करिए, कहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने रखा एक एटम, ठीक है, एटम एस्फेरिकल इन शेप 3D, ठीक है। अब इसके एक नीचे क्यूब आएगा, आएगा कि नहीं, हाँ में हाँ बस बताइए, आएगा या नहीं। ओके सर, ठीक है, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, ठीक है, 4 हो गया। अब एक इसके ऊपर आएगा, एक इसके ऊपर आएगा, एक इसके ऊपर आएगा, एक इसके ऊपर आएगा, आएगा कि नहीं, अफान। यस सर, तो ये जो हो रही है बात, ये बात हो रही है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे 1 एटम है, ठीक है, और दूसरा है नंबर ऑफ एटम्स एट फेसेस, ठीक है। फेस पे देखिए, खुद ही देखिए आप फेस पे, सर इसमें हाफ अंदर होगा हाफ बाहर होगा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक अगर एटम रखा तो अंदर आधा आएगा और कुछ इधर जाएगा, यानी आधा अंदर आधा बाहर, यानी एक एक एटम फेस पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दो क्यूब में डिवाइड हो रहा है, और टोटल फेसेस इन द क्यूब कितने होते हैं, 6, तो एटम्स कितने आ जाएंगे, 3 एटम्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल यानी रैंक ऑफ, रैंक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, ऑफ FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 एटम्स आ जाएगा कि नहीं, एक एटम कॉर्नर पे और 3 एटम्स फेसेस पे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ FCC इज इक्वल टू 4 एटम्स होगा कि नहीं। यस सर, हो जाएगा, लिख लीजिए आप लोग। बस थोड़ी देर वेट कर लीजिए, मैं थोड़ा वर्चुअल बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ, ये बार बार मुझे हर क्लास में ही डाउनलोड करना पड़ता है, बस होने वाला है जी। तो इसमें कोई दिक्कत, अफान, SCC रैंक पूछेगा आपका SCC का, तो 1 आइटम आएगा, और रैंक ऑफ FCC तो 4 एटम्स आएगा, ठीक है, हो गया, थैंक यू। अब देखिए स्लाइड चेंज करते हैं, और यहां पे बात करते हैं हम BCC की, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, या फिर इसको BCC हम कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, BCC को क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि अपने सिलेबस में जो है वो क्या है, क्यूब के ऊपर ही है पूरा का पूरा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पूरा एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं, तो एटम्स जो होते हैं आपके, एटम्स आर सिचुएटेड एट कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर, एट कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर।
तो आप खुद ही देखिए यहाँ पे कॉर्नर्स पे एटम जो होंगे, कॉर्नर्स वाला तो अच्छे समझ में आ गया, 1/8 × 8 = 1 एटम होगा, होगा ना। अब हम बॉडी सेंटर की बात कर रहे हैं, बताइए कि क्यूब के अगर एकदम सेंटर में एटम रखते हैं तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा? सर वन ही होगा टोटल, वन वन ही होगा। तो यहाँ पे यानी बॉडी सेंटर पे नंबर ऑफ एटम्स जो होगा बॉडी सेंटर पे वो कितना होगा? वन एटम होगा। यस सर टोटल, यानी यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ बीसीसी देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये क्या रैंक भी कह देते हैं इसका, रैंक ऑफ बीसीसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? टू एटम्स आ जाएंगे कि नहीं? टू एटम्स आ जाएंगे कि नहीं? बताइए। यस सर, लिख लिए आप लोग? यस सर, हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम, यहाँ पे बीसीसी हो गया, अब अपने पास बचा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की जब बात करते हैं तो इसमें हमें पता होता है कि दो जगह एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो कॉर्नर पे और दूसरा, खुद ही कैलकुलेट करके बताइए, अगर एंड सेंटर्ड में, ठीक है, ईसीसी में एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, अगर मैं ऐसे लिखता हूं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ईसीसी में जो एटम्स होते हैं, एटम्स आर सिचुएटेड एट कॉर्नर्स एंड एट एनी टू अपोजिट फेसेज, निकाल के बताइए जरा। सर दो हो जाएंगे फिर तो आइटम टोटल आइटम दो, गलत आंसर, और बिल्कुल सही आंसर, सही है, टू आइटम्स हो जाएंगे। अफान? यस सर टू होगा, टू होगा। कॉर्नर्स वाला देख लेंगे, कॉर्नर्स वाला इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/8 × 8 इज इक्वल टू वन एटम, ठीक है। एनी टू अपोजिट फेसेस की बात कर रहे हैं, एनी टू हाफ इंटू टू हो जाएगा, अपोजिट फेसेस, वेरी गुड, तो हाफ इंटू टू तो इज इक्वल टू कितना आ गया? वन एटम आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? रैंक एटम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ ईसीसी या जेड या फिर Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टू एटम्स आ जाएगा। सबको क्लियर है? लिख लीजिए, लिख चुके होंगे आप लोग। स्लाइड चेंज करूं? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक नया मतलब स्पेशल टाइप का यूनिट सेल है जिसको यही पढ़ना है, ठीक है। ये आता है आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल की जब भी बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए आपका क्या आता है, ये एक हेक्सागन बनाता हूं मैं, ठीक है। सिमिलरली इसके नीचे एक और ले जाते हैं, ये हो गया, ठीक है। अभी देखिए इसमें सबसे पहले ये पता करते हैं कि एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं। तो यहां देखिए, एटम्स आर सिचुएटेड एट कॉर्नर्स, सबसे पहले कॉर्नर्स पे, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पे, एंड एट फेसेज, एट फेस सेंटर, ठीक है, एट फेस सेंटर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां कॉर्नर्स की बात कर रहा है, तो टोटल कॉर्नर्स कितने हैं हमारे पास? टोटल कॉर्नर्स 12 हैं, ठीक है। टोटल कॉर्नर्स देखा जाए तो 12 कॉर्नर्स है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं। एक चीज मैं पहले ही बता दूं, तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में
जो बॉडी सेंटर पे एटम होते हैं वो तीन होते हैं, ठीक है। 3D में यहाँ रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे ध्यान में रखिएगा कि हेक्सागोनल में बॉडी सेंटर पे नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉर्नर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 12 है, और हर एक एटम का एट कॉर्नर जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, 1/6 होता है। यानी एक एटम जो है वो 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जैसे कि आपके क्यूब में 8 कॉर्नर था, ठीक है, और 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे 6 कॉर्नर ऊपर में दिख रहा है, तो ये 1/6 पार्ट में डिवाइड होता है। तो कॉर्नर्स पे जो एटम होते हैं वो होते हैं आपके 2 एटम्स। बॉडी सेंटर की जब बात करते हैं हम लोग, बॉडी सेंटर की, तो बॉडी सेंटर में 3 एटम्स आते हैं, और उसके बाद फेस सेंटर की बात करते हैं हम लोग, तो फेस सेंटर में देखिए क्या आते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि यही ये और ये फेस सेंटर लिया जाता है जहां हेक्सागन टाइप बनता है। तो इसमें 2 फेसेज होते हैं, और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2 होगा कि नहीं, तो यहाँ पे 1 एटम बना। यानी रैंक ऑफ हेक्सागनल यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। और रैंक क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ हेक्सागनल यूनिट सेल, पर यूनिट सेल ऑफ, यहां पे लिख लीजिएगा हेक्सागनल यूनिट सेल, रैंक उसी को कहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। डन अफान, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक आध क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, लिखिएगा अ सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्स एंड वाई एलिमेंट्स। If X occupies corners of Q and Y occupies face center of Q, then find molecular formula of Q. Find दूसरा question, molecular formula of solid if X occupies corner of Q and Y occupies its center of हो गया सर, चैट में भेजा। पहले लगता x3y,
गलत है, XY3 नहीं होगा। यस सर, XY। बताओ सक्षम। अच्छा सर वाई, हाँ वाई XY3 हो। अफान हेलो, यस सर। हो गया सर अफमान? हाँ, दूसरे का भी आंसर दे। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए ये एक्स कहाँ है भाई, कॉर्नर पे है, यानी कॉर्नर पे है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, सर वन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और वाई जो है वो फेस पे है, फेस पे है, तो 1/2 का कंट्रीब्यूशन, टोटल 6 है तो 3, यानी एक्स इज टू वाई का जो रेशियो लेंगे वो 1:3 आएगा, यानी जो फॉर्मूला आएगा XY3 आएगा। Yes. समझ आया अफान? फेस सेंटर्ड पे है, फेस सेंटर्ड का 3 एटम्स आता है ना। यस सर, पर फॉर्मूला कैसे निकाला वो समझ में नहीं आया। अच्छा देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला नहीं है, उसका नंबर ऑफ एटम्स निकालना होता है। अगर एक्स आपका कहाँ पे है, अ सॉलिड इज फॉर्मड बाय एक्स एंड वाई, इफ एक्स ऑक्यूपाइज कॉर्नर्स, अगर एक्स एटम जो है वो एक्स टाइप का जो एटम है वो कॉर्नर पे है, तो एक क्यूब में कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1 ही एटम होगा ना एक क्यूब में। यस सर। और वाई जो है वो फेस पे है तो उसका 3 एटम्स आएगा, तो यहाँ पे रेशियो ले लेंगे एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू 1:3। ठीक है, कैसे, ये एक्स का कोरेस्पॉन्डिंग 1 एटम, वाई के कोरेस्पॉन्डिंग 3 एटम, फॉर्मूला बन गया XY3। ओके सर, ये दूसरा वाला करिए अगर वो समझ में आ गया तो, बहुत आसान है। और आप सक्षम चैट में दे दीजिए, गलत है सक्षम, क्या कर रहे हैं सक्षम आप? सर एज पे तो दो ही होंगे, चेक करिए जरा, एज सेंटर पे खुद ही बताए थे आप। एज सेंटर का मतलब क्या होता है, आपने नोट्स लिख रहे हैं ना, आप नोट्स लिख रहे हैं ना सक्षम? हाँ सर। दे जरा, एज सेंटर दिया ना, एंड सेंटर कर लीजिए इसको, बेटर होगा, एज सेंटर को एंड सेंटर कर लीजिए। अब बताइए जरा अफान, दूसरे वाले का आंसर दीजिए प्लीज। यस सर, एक्स का तो बन गया, वाई का सेंटर के सक्षम आंसर आया? हाँ सर बिल्कुल। सर चैट में देते हैं। इज इट XY?
यस सर एक्स वाई आ रहा है। हाँ वेरी गुड, कैसे देख लीजिए एक्स कहाँ है, कॉर्नर पे है भाई, कॉर्नर पे है का क्या मतलब, 1/18 into 8 = 1 एटम आया। एंड सेंटर का कितना होगा, वाई का एंड सेंटर पे है 2 into 1/2, अपोजिट फेसेस, कोई भी दो अपोजिट फेसेस, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ, अजीब से लिखा रहा है यहाँ पे, 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ भी 1x = 1 मतलब आ जाएगा ना, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ूं? चलिए ठीक। अब अपने पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही आसान, और ये मैथमेटिकल है, और चूंकि आप लोग जेई के बच्चे हैं मैथ से, तो ये बहुत ही अच्छे से आएगा आप लोगों को, ठीक है। ये होता है आपका रिलेशन बिटवीन एज सेंटर, एज लेंथ, सॉरी एज सेंटर क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम की जब बात करते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी हम डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं SCC, SCC का मतलब समझ लीजिए, सिंपल बताइए, क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, जो एटम है स्फीयर और जो क्रिस्टल है क्यूबिक, ठीक है, जो यूनिट सेल है क्यूब, तो क्यूब है तो उसमें एज लेंथ होगा और एटम है तो उसमें रेडियस है, इन दोनों में रिलेशन निकालना है, SCC के लिए अलग आएगा, BCC के लिए अलग आएगा, FCC के लिए अलग आएगा। अब देखिए यहाँ पे खुद ही देखिए आप, ठीक है, कि रेडियस ऑफ एटम की जब बात करेंगे, देखिए यहाँ पे एक क्यूब है अपने पास, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक एज लेंथ पे दो एटम आते हैं ऐसे, एक और ये ऑलमोस्ट टच करता है, ये 3D में है, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप, ऐसे होता है, क्लियर है? यस सर। अब देखिए इसमें क्या होगा आपके पास सक्षम, ये जो क्यूब का एज लेंथ होगा, अगर एक का ए होगा तो सबका ए होगा, सबका ए होगा कि नहीं, यानी ये वाला जो लेंथ होगा वो ए है, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये क्या होगा आर होगा, और यहां से यहां तक ये क्या होगा आर होगा, तो यानी ए जो है वो किसके बराबर है, 2R के बराबर, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2 होगा कि a/2, तो रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ क्यूब इज रिलेटेड लाइक R इज इक्वल टू a/2 इन विच केस SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्लियर है? यस सर। स्लाइड चेंज करूँ, अफान हो गया, चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ, SCC के लिए क्लियर हो गया है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे FCC के लिए, FCC का मतलब क्या होता है जल्दी बताइए जरा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो सबसे पहले मैं इसमें एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर हम डेरिवेशन करेंगे, तो देखिए एक डायग्राम जब बनाता हूँ और इसमें फेस की बात कर रहा है, और FCC में हमें पता है कि कॉर्नर प्लस फेस दोनों ही होता है, तो कोई भी एक फेस ले लेता हूँ, ठीक है, और फेस के साथ ना एक डायगनल खींच देता हूँ, ठीक है, डायगनल क्यों खींचा मैं, ठीक है, सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में, आपके मन में कि सर ने डायगनल क्यों खींचा, देखिए डायगनल ये लिया मैंने, अरे यार एक तो मेरा डायग्राम में बहुत ही वाहियात है, रुक जाइए जरा, रुक जाइए, देखिए जरा, ये हो गया आपके पास एक क्यूब, ये हो गया आपके पास एक क्यूब, ठीक है, ये यही तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए जरा, अब देखिए
चूंकि फेस सेंटर की बात हो रही है तो कोई भी एक फेस ले लेता हूं मैं, ये वाला फेस ले लेता हूं मैं ऊपर वाला, ठीक है। इसमें दो दो टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक कॉर्नर और एक फेस सेंटर। तो कॉर्नर वाला एटम्स ऐसे प्रेजेंट होगा, ये रहा कॉर्नर, ठीक है। इधर वाला कॉर्नर भी ऐसे प्रेजेंट होगा, ये रहा कॉर्नर, ठीक है। और ये एक फेस पे प्रेजेंट होगा ऐसे, बात को समझिएगा। यहाँ डायग्राम मेरे लिए बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया कि कॉर्नर में आधा एटम इधर होगा आधा उधर होगा, ठीक है, मतलब रेडियस ले रहे हैं, और इधर वाले में भी वैसा ही होगा और बीच में एक एटम आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल जो डायगनल लेंथ होगा, ठीक है, फेस डायगनल का लेंथ जो होगा ये आर, यहाँ पे कितना होगा टोटल 2R होगा, 2R 4R हो जाएगा टोटल, कितना होगा R होगा। और दूसरी बात कि हमें ये पता है कि एज लेंथ A ये है और ये एज लेंथ कितना A है, क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब है तो ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो ये देखिए 4R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 16R स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 r स्क्वायर बाय 2 व्हिच मींस a इज इक्वल टू अंडर रूट 8 r स्क्वायर व्हिच मींस a इज इक्वल टू 2 रूट 2 r, या फिर r इज इक्वल टू a अपॉन 2 रूट 2, या फिर हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा पूछा हुआ है जो कि बच्चों को डायरेक्ट नहीं दिखता, वो मैं दिखा दे रहा हूँ। रूट टू इंटू ए, तो ए रूट टू अपॉन में रूट टू ये 4 हो जाएगा। तो बहुत सारे बुक में ये वाला रिलेशन भी होता है, आर इज इक्वल टू रूट टू ए बाई 4। तो यहाँ आर और ए के बीच में एक ही रिलेशन है लेकिन रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। ये आर के टर्म में ए है, ये ए के टर्म में आर है, ये भी ए के टर्म में आर है कि नहीं। yes. लिखिए जरा, डन डन हो गया। हो गया, यस yes. चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ। अफान आपका हो गया, ओके सर। चलिए अब अपने पास क्या आया, बीसीसी आया। बीसीसी का फुल फॉर्म बताइए जल्दी जरा सक्षम, बॉडी सेंटर्ड सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की जब बात करते हैं हम, तो यानी बॉडी सेंटर की बात हो रही है। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसमें ना, फेस डायगनल ना लेके हम क्या लेते हैं, बॉडी डायगनल लेते हैं, ताकि बीसीसी में कहाँ का एटम है। सर आवाज कट रही है, सर आवाज लग रही है। हेलो एक मिनट, वेट वेट, हेलो एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ यस सर। चलिए हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि बीसीसी की बात हो रही है, तो बीसीसी में एटम कहाँ कहाँ होता है, कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन निकलेगा वो कैसे निकलेगा, बॉडी डायगनल से निकलेगा। फेस सेंटर्ड में हमने क्या किया था, कॉर्नर प्लस फेस ले लिया था फेस सेंटर को, तो फेस डायगनल भी 4R होगा, ठीक है 4R। हाँ देखिए तो देखते हैं 4R हो रहा है या कैसे हो रहा है, ठीक है एक मिनट, ठीक है इसका निकाल के दिखाइए जरा। एक मिनट अभिनव आप कब आए सर, काफी देर से। अरे तो आपने कुछ बोला ही नहीं, बस इसमें तीन ही लोगों का नाम दिख रहा है और मैंने नीचे चेक ही नहीं किया था। कुछ समझ में आ रहा है आपको? यस सर, मैं तो आंसर सॉफ्टवेयर। अच्छा पता नहीं चल रहा था मुझे। चलिए तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात जब करते हैं तो बीसीसी में एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं।
कॉर्नर पे a इज इक्वल टू 4r बाय रूट a इज इक्वल टू 4r बाय रूट 3 वेरी गुड वेरी गुड आपने पढ़ के आया या फिर पढ़ के आए हैं आप इस स्कूल में पढ़ा बहुत हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है तो देखिए यहाँ पे बॉडी डायगोनल की बात करते हैं तो ये बॉडी डायगोनल ऐसे होगा इस कॉर्नर से लेके ठीक है उधर वाले कॉर्नर से लेके सीधे नीचे इस कॉर्नर तक होगा तो इसमें एक एटम कहाँ प्रेजेंट होगा आपका एक तो ये कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा एक इस कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा और एक बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा कहाँ प्रेजेंट होगा बॉडी सेंटर पे तो एक आर ये इसमें टू आर आ जाएगा और इसमें कितना आ जाएगा आर आ जाएगा वहीं पे बात करें हम इसके तो ये एज लेंथ जो होगा ए होगा ये एज लेंथ जो होगा ए होगा ये एज लेंथ होगा ए होगा क्योंकि ये क्यूब है तो हम क्या कर देंगे 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर और ये 16r स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा 16r स्क्वायर अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है 16r स्क्वायर हो गया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर बाई 3 और अंडर रूट आ जाएगा तो a इज इक्वल टू 4r अपॉन में रूट 3 ठीक है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू रूट 3a बाई 4 या फिर इसको रेशनलाइज करके भी लिख सकते हैं 4r रूट 3 सर ये a स्क्वायर 3 बार कैसे आया हाँ एग्जैक्टली ये 3D में आपका पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है यहाँ पे देखिए ये 3D में बन रहा है ठीक है तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल होता है फॉर्मूला होता है मैथ्स में ओके ठीक है जैसे पाइथागोरस थ्योरम होता है वो 2D में होता है ये 3D में होता है ठीक है यस सर तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अगर रेशनलाइज करें तो a इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3 अपॉन 3 हो जाएगा कि नहीं देख सकते हैं ना रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है अगर आपको एक आंसर आता है उसके बाद ऑप्शन में कुछ ऐसा नहीं दिखता है तो उसको कुछ ना कुछ करके ऑप्शन मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर रैशनलाइज करके ला सकते हैं ठीक है यस स्लाइड चेंज करें डन देखिए अपने पास क्या है यहाँ पे अब आता है सर आवाज यूनिट सेल कितने टाइप्स जी जी हेलो एम आई ऑडिबल सक्षम यस सर चलिए ठीक है तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं यूनिट सेल की अब बात करते हैं कितने टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर का मतलब यही हुआ कि लेंथ ऑफ एज लेंथ और एंगल की बात करके 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होता है ठीक है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग 7 यूनिट सेल होते हैं ठीक है जो सबसे पहला होता है आपका वो आ जाएगा क्यूबिक यूनिट सेल क्या कहते हैं उसको क्यूबिक बस लिख रहा हूं दूसरा जो आएगा वो आ जाता आपका टेट्रागोनल क्या हो जाएगा टेट्रागोनल ये पूरा राइट साइड में पूरा लिखूंगा मैं कि सेल पैरामीटर क्या होता है ठीक है मतलब उसका लेंथ कैसे वैरी करता है एंगल कैसे वैरी करता है फिर तीसरा आ जाता है ऑर्थो रोम्बिक सर एंड सेंटर्ड का वैल्यू नहीं निकालिएगा नहीं एंड सेंटर्ड की वैल्यू की जरूरत नहीं होती ठीक है सर अपने सिलेबस में यहीं तक फोर्थ में आ जाएगा आपका मोनोक्लिनिक फिफ्थ में आ जाएगा ट्राइक्लिनिक सिक्स्थ में आ जाएगा हेक्सागोनल एंड द सेवेंथ वन इज रोम्बोहेड्रल तो देखिए यहां पे अपने पास क्या आता है ऑर्थोरोम्बिक रोम्बस होता है रोम्बिक
ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। इधर देखिए, उसके बाद क्यूब में, क्यूबिक में देखिए, यहाँ पे अब हम सेवन टाइप्स ऑफ ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि क्यूब में जो होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ठीक है, एंड सॉरी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री होता है, या फिर एक मिनट पहले इधर उधर हो जाएगा, हम साइड लिखते हैं सबसे पहले, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है अपने पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे दूसरे वाले में आ जाता है टेट्रागोनल में, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, ठीक है, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक में देखें तो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक की बात करें हम तो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी एंड अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ट्राई क्लिनिक है ये, ट्राई क्लिनिक है। ट्राई क्लिनिक की बात करें जब हम, एक मिनट रुक जाइएगा, ये उल्टा ऊपर नीचे हो गया है हमारा, तीन हो गया, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर आ जाएगा अपने पास मोनोक्लिनिक का, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, और यहाँ आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। सिमिलरली ट्राई क्लिनिक में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू सी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी एंड अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। हेक्सागोनल की बात करें हम तो हेक्सागोनल में क्या आता है, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। वहीं रोम्बोहेड्रल की बात करें, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। एनसीईआरटी में दे रखा है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है अपने पास, इसका जो होता है आपका, ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एस सी सी, एफ सी सी, बी सी सी। जो क्यूबिक होता है एस सी सी, एफ सी सी, बी सी सी। जो आपका टेट्रागोनल होता है ये दो टाइप में होता है, एस सी सी, बी सी सी। आपका ऑर्थोरोम्बिक जो होता है वो चार पार्ट में डिवाइड होता है। ऑर्थोरोम्बिक कौन कौन सा, एस सी सी, बी सी सी, ECC, FCC, ठीक है। और जो मोनोक्लिनिक होता है आपका, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपल और दूसरा जो आता है एंड। जो ट्राई क्लिनिक होता है आपका, वो क्या हो जाता है आपका, सिंपल हो जाता है, ठीक है। हेक्सागोनल मिक्स्ड होता है और आपका जो रोम्बोहेड्रल है ये भी क्या होता है, सिंपल होता है। ये सब क्या लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पता चलेगा आपको कि देर आर सेवन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड 14 ब्राविया लैटिसेज। इसी को कहते हैं, हमने जो एस सी सी बी सी सी लिखा है ना, इसी को हम 14 ब्राविया लैटिसेज कहते हैं। अगर काउंट करिएगा, तीन इसमें मिलेगा, दो इसमें मिलेगा, चार इसमें मिलेगा, दो इसमें मिलेगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो काउंट करिए, 3 + 2 = 5, 5 + 4 = 9, 9 + 2 = 11 + 3 = 14। इन्हीं को कहते हैं हम 14 ब्राविया लैटिसेज, ब्राविया लैटिसेज कहते हैं हम इनको, ठीक है। और मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल जो होता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल जो होता है आपका, वो होता है ट्राई क्लिनिक। वो क्या होता है आपका, ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक। आप खुद ही ट्राई क्लिनिक को देखिए, ट्राई क्लिनिक में क्या आ रहा है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी एंड अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री।
ये सब याद करना है क्या? तो डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, जेईई वगैरह में। बोर्ड्स में तो नहीं आएगा ना? बोर्ड्स में भी पूछ देता है। 14 सर, ये ए बी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एज लेंथ ऑफ क्यूब, साइड, ठीक है, साइड साइड। टेट्रागोनल में एक दूसरे के बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है। और सर, ये अल्फा बीटा गामा एंगल होगा? एंगल 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 3D में है तो तीन एंगल होगा ना? यस, बस वही पूछ रहा। हो गया डन्स। अफान, अभिनो, डन्स। स्लाइड चेंज कर। कुछ सवाल हैं जो बहुत ही आसान है, उस पर फोकस करते हैं हम लोग। एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर, body centered cubic BCC, a structure with a cell edge of 288 picometer the atomic radius is The atomic radius is चैट। और किस किस का आंसर आ गया? सर ए होगा। वेरी गुड, ए अभिनव जी, ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A stands for the edge length. Of the cubic systems. Cubic systems. Simple cubic. Body centered cubic. And face centered cubic. Then the ratio of radii of the spheres in these systems will be respectively
सर आंसर भेज दो। वेरी गुड, देखो जरा। वेरी गुड अभिनव। सक्षम, अफान, सी होगा ना। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, एससीसी में क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए बाय टू होता है। यस सर, टू आर इज इक्वल टू ए होता है, तो आर इज इक्वल टू ए बाय टू होता है। सबका आर का वैल्यू निकाल के रेशियो ले लेंगे, सब कट जाएगा नीचे, हो जाएगा ना। हाँ सर ठीक है, जो कैंसिल होगा कैंसिल हो जाएगा, जो नहीं होगा नहीं होगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अफान हो जाएगा या और एक्सप्लेन करूं? नहीं सर, हो गया। चलिए ठीक है, अब देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैं सोच रहा हूँ आज ही इसे कंप्लीट कर दूं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, टॉपिक डालिएगा, ये एनसीईआरटी में एंड में दिया है ठीक है, लेकिन अभी दूसरा टॉपिक कोई शुरू करेंगे तो बहुत लंबा खींचेगा, तो बीच में छोड़ना सही नहीं लगता। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं ठीक है, बहुत ही छोटा है। डेंसिटी इज इक्वल टू, सबको पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ देखिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में सबसे पहले हम मास ऑफ यूनिट सेल निकालते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि वॉल्यूम तो निकालना आसान है ना, यूनिट सेल है, क्यूब है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब, साइड क्यूब। देखिए मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, रैंक ऑफ यूनिट सेल पता होना चाहिए, रैंक ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि एक एटम का निकाल रहे हैं आप ठीक है। अगर आपका यूनिट सेल चेंज किया जाए, जैसे एससीसी आ गया, बीसीसी आ गया, एफसीसी आ गया, तो नंबर ऑफ एटम्स ऊपर नीचे होंगे, तो मास ऑफ यूनिट सेल चेंज होगा कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे रैंक ऑफ यूनिट सेल यानी जेड, जेड का मतलब क्या हो गया, एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एटम की मास की जब बात करते हैं, एटम की मास की ठीक है, हम यहाँ क्या लेते हैं, मोलर मास, मोलर मास। अब देखिए एटम की मास की बात कर रहे हैं तो मोलर मास, और मोलर मास का मतलब क्या होता है, वन मोल का मास, मास ऑफ वन मोल। मोलर मास का मतलब क्या होता है, एक मोल का मास होता है कि नहीं? Yes, sir. तभी तो हम मोल निकालने के लिए, जैसे डजन, डजन निकालना हो हमें तो हम 12 से डिवाइड करते हैं, करते हैं कि नहीं? अगर मैं बोलूं कि आई हैव 60 पेंस, तो हाउ मेनी डजन्स बताइए जरा, 5। आपने किससे डिवाइड किया, 12 से, क्योंकि 1 डजन इक्वल्स टू 12 होता है। तो अगर मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन क्या करते हैं, मोलर मास करते हैं, तो मोलर मास से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब मास ऑफ वन मोल के बराबर होगा, तभी तो मोलर मास से डिवाइड कर रहे हैं। यस सर। तो वैसे ही ये मास ऑफ वन मोल हो जाएगा, यानी मोलर मास m ठीक है, तो इज इक्वल टू 6.022 इनटू 10^23। वन मोल का वैल्यू इतना और मास ऑफ एटम, ये वन मोल का वैल्यू है और मास ऑफ एटम। तो यहाँ पे जब मास ऑफ एटम का ही वैल्यू निकालना हमें, मास ऑफ एटम इज इक्वल टू आ जाएगा आपका मोलर मास डिवाइडेड बाई, इधर ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10^23। तो मास ऑफ एटम ये हो जाएगा, क्लियर है? अब देखिए आगे, पहले देख लीजिए कि वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम आपने पहले ही बता दिया ए क्यूब, क्योंकि मैंने क्या ले लिया है, ए साइड लेंथ ले लिया है, एज लेंथ ले लिया है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी यानी रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इंटू एम। देखिए मास इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले इसकी डिस्कस करते हैं, तो मोलर मास अपॉन एन ए होगा ठीक है, यही तो निकाला ना मैं कि एम अपॉन एन ए लिख सकता हूं ना। yes. ये क्या है आपका, मास है, ये एक एटम का है, अगर जेड से मल्टीप्लाई कर दिए अकॉर्डिंग टू द नीड ठीक है, अगर एफ सी सी है तो
एटम का नंबर इंक्रीज डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू द यूनिट सेल, तो आपका मास भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम किससे हो जाएगा, ए क्यूब से। तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो आया वो क्या आया, जेड इंटू एम, एम जो है वो मोलर मास है, क्या है मोलर मास, मोलर मास। ये जो जेड है ये क्या है आपका रैंक है, ये क्या है रैंक है। जेड जेड निकालने से हमें ये पता चल जाएगा, जेड अगर वन आएगा तो एफ सी सी, टू आएगा तो बी सी सी, और चार आएगा तो एफ सी सी। ठीक है, तो वॉल्यूम ये एक फॉर्मूला हो गया डेंसिटी का आपके लिए। ठीक है, स्लाइड एक बार पीछे कर दिए नोट। जी जी जरूर। वन मोल का मास इतना है, तो वन मोल में इतने पार्टिकल होते हैं इनटू टोटल जितना भी मास है मल्टीप्लाई कर देंगे। सर ये रैंक ऑफ यूनिट सेल जेड है ना, टू नहीं ना? हाँ हाँ ये जेड है, जेड लिखा हुआ, ये जेड है, जेड जी। सर जी, सर ऐसा नहीं हो सकता कि एटम एज पे सिचुएटेड हो? एज पे सिचुएटेड होता है, ठीक है, लेकिन वो अलग केस हम पढ़ते नहीं है। जब आपका वो होगा ना, क्या कहते हैं, जब वॉइड्स पढ़ेंगे तो एक एज पे लेंगे हम, एज पे भी हो सकता है। ठीक है, वहां पे पता चल जाएगा आपको, वो वॉइड्स में बेसिकली आता है। और वैसे ये क्यूब में ना हम दो ही लेते हैं, कॉर्नर कॉर्नर, और उसको दोनों को सटा देते हैं तो एक रेडियस रेडियस टू आर के बराबर हो जाता है। ठीक है, अभिनव स्लाइड चेंज करूं? यस सर। लिख लिया आप लोगों ने ये? यस। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद अलविदा कहते हैं आज आपको, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। अ मेटल हैज अ FCC लैटिस। अब ये FCC बोल दिया यानी Z का वैल्यू दे दिया कि नहीं, दे दिया कि नहीं, सक्षम? हाँ सर। तो कभी भी FCC BCC वगैरह पूछे तो Z का वैल्यू निकाल के बताएंगे। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा गंदा सा होता है, क्यूब रूट आता है इस वजह से, बच्चे डरते हैं, बट बहुत आसान होता है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा तो आप लोग बताइएगा। हो गया, हाँ सर, क्वेश्चन सबका क्वेश्चन हो गया। अफान अभिनव सबका हो गया? सर कर रहा हूँ, नोट कर, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।